मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम इन आवर संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स. टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट द हाउ वी प्लांट द ग्रो. ओके गाइज, इन दिस सेशन वी विल रीड द इंग्लिश चैप्टर नंबर 7, व्हाट शुड सोम ग्रो. ओके, नाउ टॉपिक इज आर रीडिंग एंड डिस्कशन. सो गाइज, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. चैप्टर नंबर 7, एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट शुड सोम ग्रो. ग्रो मीन्स होता है उगाना. किसी भी चीज को हम बोते हैं तो वो उग जाती है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रो. बट सोम एक फार्मर है, इट्स अ नेम. तो सोम को आखिर क्या उगाना चाहिए. ओके गाइज, लेट्स गो. डू यू नो हाउ टू ग्रो प्लांट्स. क्या आप जानते हैं कि पौधे कैसे उगते हैं, प्लांट्स कैसे उगते हैं. सो लुक एट द पिक्चर्स बिलो. जो ये पिक्चर्स दिए हुए हैं बेटा आपको, एंड द नंबर देम द करेक्ट ऑर्डर. इनको आपने एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले हम किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए, उगने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एंड देन आफ्टर दैट राइट द अकॉर्डिंग टू स्टेप वाइज. सो यू नीड टू पुट द नंबर्स देयर. ओके, वन हैज़ डन फॉर यू. यहाँ पर एक आपके लिए किया गया. आपको बहुत सारे पॉट्स दिए हुए हैं. लास्ट में हमारे पास प्लांट्स कब आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो ये पॉट है इसमें हम सॉइल डालेंगे. जो किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या होता है कि सॉइल इज द मस्ट. सो वी पुट द सॉइल इन दिस. सो इट इज आर वन फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉइल पुट करेंगे. फिर क्या करेंगे, सॉइल में सीड पुट करेंगे. सो सेकंड नंबर इज सीड. ओके, आफ्टर दैट हम उसमें क्या डालेंगे, वाटर. क्या डालेंगे, वाटर. सो थर्ड नंबर इज दिस वाटर. और वाटर के बाद उसको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा नीड वार्मिंग के लिए क्या चाहिए, सनलाइट. फोर्थ नंबर, जब सनलाइट मिलेगी तो क्या होगा, सबसे पहले किसी पौधे, किसी बीज को क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए. मिट्टी के बाद में फिर हम उसमें वाटर डालेंगे, पानी चाहिए. पानी के बाद उसको थोड़ी सी वार्मिंग चाहिए, मींस गर्मी चाहिए. वो गर्मी उसको कहाँ से मिलती है, सनलाइट से. सनलाइट मींस सूर्य का प्रकाश. उसके बाद में बेटा उसको क्या चाहिए, वो क्या होगा, एक छोटा सा अंकुर, स्प्राउट होगा. ठीक है, स्प्राउट होगा मींस उसमें एक अंकुर फूटेगा, वो क्या कहलाएगा, स्प्राउट. छोटी सी एक आपके बर्ड्स निकल के आएगी. फिर उसके बाद क्या होगा, वो क्या बन जाता है, एक प्लांट. फाइनली वो क्या बन जाएगा, एक प्लांट. सो इट्स आर सिक्स्थ स्टेप. ओके गाइस, आई यू थिंक यू आर अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स. सो इससे हमें क्या मींस आइडिया लगता है, क्या विचार आता है हमारे मन में, कि प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं. ठीक है, हम प्लांट्स को क्यों ग्रो करते हैं. जब हमें कुछ चीज़ मिलेगी, कोई किसी से कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, तभी हम किसी वर्क को करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बिग आइडिया है हमारे पास में, प्लांट गिव्स अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स टू ईट. हमें खाने के लिए क्या क्या मिलता है पेड़ पौधों से, फ्रूट्स मींस फल मिलते हैं, वेजिटेबल्स इट मींस सब्जियां मिलती हैं, और ग्रेन्स, ग्रेन्स मींस अनाज मिलता है. किस चीज़ के लिए, टू ईट, खाने के लिए. ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हम प्लांट्स को क्यों ग्रो करते हैं, और जब वो ग्रो हो जाते हैं तो वो प्लांट्स हमें क्या रिवर्ट देते हैं. जब हम कोई पौधा बोएंगे, उगाएंगे, तो वो हमें क्या देगा, तो वो क्या देगा, या तो वो हमें फ्रूट्स देगा, वेजिटेबल होंगे, या अनाज होगा, या खुशबू, कुछ ना ऑक्सीजन, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं हमें प्लांट्स से. सो गाइज, हमारे चैप्टर का नेम है व्हाट शुड सोम ग्रो. सोम को क्या उगाना चाहिए. सो वो अब हम इस लेसन के थ्रू, जब हम रीडिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हम सोम को क्या उगाना चाहिए था आखिरकार. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ लुक इट हियर. रीड हाउ सोम लर्न टू ग्रो डिफरेंट प्लांट्स. सोम कैसे सीखता है कि वो डिफरेंट प्लांट्स कैसे उगते हैं. ठीक है, तो वो हम स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे कि सोम को क्या मीन्स कहाँ से सीखता है कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स कैसे उगाए जाते हैं. सो गाइज, नाउ लेट्स कम ऑन हेयर. यू सी दिस इज द पिक्चर, एंड दिस इज द सोम. हु इज दिस सोम, एंड दिस इज अ डियर.
दिस इज रिवर. यू लर्न मोर अबाउट दिस सीनरी. ये पिक्चर आपको बहुत सी चीज़ें सिखाएगी, आपको पढ़ाएगी. इसमें आपको देखो सनलाइट भी दिखाई दे रही है, माउंटेन्स हैं, मोर मैनी थिंग्स आर इन दिस पिक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सोम वॉज एन ओल्ड मैन. सोम एक बूढ़ा व्यक्ति था. ओके, सोम SOM सोम वॉज एन ओल्ड मैन. ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति था. हु हैड, जिसके पास नो होम और फैमिली. उसके पास ना तो घर था और ना ही परिवार था. होम मीन्स घर और फैमिली मीन्स परिवार. तो उसके पास, किसके पास? सोम के पास ना तो परिवार था और ना ही उसके पास कोई घर था. तो इट मीन्स वो कहाँ रहता था? लेट्स सी. ही एट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज इन द फॉरेस्ट. ट्रीज मीन्स पेड़, फॉरेस्ट मीन्स जंगल या वन, एट मीन्स खाना और फ्रूट्स मीन्स फल. तो सोम क्या खाता था? सोम ही एट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज. ट्रीज से जो पेड़ों पे फल लगते थे, जंगल में जो पेड़ होते थे उन पर जो फल लगते थे उनको सोम खाता था. क्या खाता था सोम? फ्रूट्स. ओके, एंड सोम कहाँ रहता था? इन द फॉरेस्ट. ओके बेटा, वन डे, एक दिन, ही मेट अ फेरी. फेरी होती है परी, ठीक है, जिसके पास कुछ मैजिकल पावर होती हैं. एक लिटिल पर्सन, अ लिटिल पर्सन दैट हैज मैजिकल पावर्स. ओके, सो फेरी मीन्स, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ फेरी क्या होती है. फेरी होती है परी. आपकी दादी नानी आपको स्टोरीज सुनाती होंगी, उनमें परियों की स्टोरीज भी सुनाती होंगी. सो इट मीन्स द फेरी मीन्स परी. तो वन डे ही मेट अ फेरी. मेट मीन्स मिलना. एक दिन वो एक परी से मिलता है, ठीक है. सोम परी कहती है सोम से, सोम व्हाई डोंट यू ग्रो प्लांट्स फॉर फूड. कि तुम भोजन के लिए प्लांट्स क्यों नहीं उगा लेते, ठीक है. वो पूछती है व्हाई डोंट यू ग्रो प्लांट्स फॉर फूड, कि तुम खाने के लिए कुछ प्लांट्स क्यों नहीं उगा लेते हो. देन द फेरी आस्क्ड. फेरी ने आस्क्ड मीन्स पूछना, उससे पूछा. किससे? सोम से पूछा. द नेक्स्ट डे सोम, अगले दिन सोम. नेक्स्ट डे मीन्स अगला दिन. द नेक्स्ट डे सोम प्लांटेड सम ओट्स ऑन अ पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट. अगले दिन सोम ने कुछ, सम मीन्स कुछ, ओट्स मीन्स अनाज के दाने, प्लांटेड मीन्स बोना, ऑन अ पैच. पैच मीन्स होता है पीस ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट. अगले दिन सोम ने अनाज के कुछ दाने जंगल की एक जमीन के टुकड़े पर बोए, पीस ऑफ लैंड, ठीक है. वहाँ पर उसने क्या किया? अनाज के कुछ दाने उगाए, जैसे ओट्स. ओट्स मीन्स क्या होता है? अनाज के दाने. सून, कुछ समय बाद, द ओट्स वर राइप. कुछ समय बाद जो ओट्स उसने बोए थे वो पक कर तैयार हो गए. मीन्स वो, जैसे हमारे खेतों में गेहूं होता है या कुछ और अनाज हम उगाते हैं तो वो पक कर, फसल बड़ी होकर पक जाती है. तो इसी प्रकार उसके जो ओट्स के जो उसने बोई थी खेत में, ग्रो की थी, वो पक कर तैयार हो गई. राइप, आर आई पी ई, राइप मीन्स पक, रेडी टू ईट, पक कर तैयार होना. अ डियर केम. एक डियर मीन्स क्या होता है? हिरन. डियर मीन्स हिरन. केम मीन्स आना. अलोंग टू ईट देम. अ डियर कम टू अलोंग टू ईट देम. एक डियर वहाँ पर उनको खाने के लिए आ जाता है. व्हाई आर यू ईटिंग माई ओट्स. अब सैम उससे पूछता है कि तुम मेरे ओट्स क्यों खा रहे हो. व्हाई आर यू ईटिंग माई ओट्स. तुम मेरे अनाज क्यों खा रहे हो. ओके,
ही आस्क्ड द डियर, उसने डियर से पूछा, किसने पूछा, सोम ने, और किससे पूछा, डियर से, कि तुम मेरे अनाज के अनाज क्यों खा रहे हो। अब इफ यू ग्रो मेज, अगर तुम, मेज मीन्स क्या होता है, मक्का, ग्रो मीन्स उगाना, अगर तुम मक्का उगाते, इफ यू ग्रो मेज, अगर तुम मक्का उगाते, आई विल नॉट ईट देम, तो मैं उनको नहीं खाऊंगा, तो मैं उनको नहीं खाऊंगा, सैड द डियर, किसने बोला, डियर ने बोला, किसको बोला, सोम को, कि अगर तुम मक्का उगाते तो मैं उसको नहीं खाता। ओके गाइस, आपको समझ आया यहाँ तक? नाउ अब देखिए, सबसे पहले उसने क्या उगाया, ओट्स उगाए। अब ओट्स को खाने के लिए कौन आया, डियर आया। अब डियर उससे क्या रिक्वेस्ट करता है, कि अगर तुम मैज उगाओगे, मींस मक्का उगाओगे, तो मैं उसको नहीं खाऊंगा। ठीक है, सोम सोड सम मेज ऑन हिज लैंड। अब सोम क्या करता है, कि वो कुछ मक्का उगाता है, कहाँ पर, ऑन हिज लैंड, उसकी जमीन पर। ठीक है, वो कहाँ पे रहता था, जंगल में, और जंगल में बहुत सारी जमीन होती है, तो वो वहाँ पर क्या करता है, अब कुछ मक्का उगाता है वहाँ। सम मीन्स कुछ, और सोड मीन्स बोना। ठीक है, अब वो कुछ वहाँ पर मक्का बोता है। अब पैरट, पैरट मीन्स तोता, केम अलोंग टू ईट द मेज, द मेज मीन्स मक्का, पैरट केम मीन्स आना। अब एक पैरट आया और वो मक्का खाने के लिए आया है। वाई आर यू ईटिंग माई मेज, सोम आस्क द पैरट, आस्क का मतलब होता है बेटा पूछना, Why are you eating my maize? तुम मेरी मक्का क्यों खा रहे हो, किसने पूछा, सोम ने, और किससे पूछा, पैरट से, तो सोम आस्क द पैरट, सोम ने पैरट से पूछा। अब पैरट क्या कहता है, If you, अगर तुम, If you, अगर तुम ग्रो पीनट्स, पीनट्स होता है बेटा मूंगफली, पीनट्स मीन्स क्या होता है, मूंगफली या दाने, अगर तुम पीनट्स उगाओगे, देन आई विल नॉट ईट देम, तो मैं उनको नहीं खाऊंगा, सैड द पैरट, पैरट ने किसको बोला, सोम को बोला, कि अगर तुम पीनट्स उगाओगे, देन आई विल नॉट ईट देम, तो मैं उनको नहीं खाऊंगा। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक स्टोरी समझ आई बेटा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सोम एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और वो जंगल में रहता है, जंगल में रहकर ही वो क्या करता है, फ्रूट्स वगैरह खाता है, और उसका ना घर होता है ना ही परिवार होता है। तो एक दिन उसको एक फेरी मिलती है, फेरी उसको एक एडवाइस देती है, सजेस्ट करती है उसको, कि तुम्हें कुछ अनाज उगाने चाहिए, तुम यहाँ पर केवल फ्रूट्स ही खाते हो। तो सबसे पहले वो क्या करता है, प्लांट्स उगाता है, प्लांट्स को खाने कौन आ जाता है, डियर आ जाता है। अब डियर उसको क्या सजेस्ट करता है, कि अगर तुम मेज़ खाओगे, अगर तुम सॉरी मेज़ उगाओगे, तो मैं उसको नहीं खाऊंगा। देन फिर वो क्या करता है, कि कुछ मेज़ बोता है, मीन्स मक्का बोता है। अब मक्का जब उग जाती है, तो एक पैरट आता है उस मक्का को खाने के लिए। ठीक है, अब सोम उससे फिर से क्वेश्चन पूछता है, कि तुम मेरी मक्का क्यों खा रहे हो। देन पैरट उसको क्या सजेस्ट करता है, कि अगर आप पीनट उगाओगे, तो मैं इसको नहीं खाऊंगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस स्टोरी टिल नाउ। सो गाइज, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइज, प्लीज रीड दिस स्टोरी एंड लर्न मोर अबाउट दिस स्टोरी। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस एंड लाइक इट ऑल्सो। Thank you so much.